अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं नवीद रजा एंड दिस इज योर फेवरेट शो मेंटल हेल्थ चेक। नए एपिसोड के साथ आपके साथ हाजिर हैं। आज मेरे साथ हमेशा कमल गदीर तो होती हैं साइकोलॉजिस्ट, लेकिन आज मेरे साथ हमें कमाई बहुत अच्छी दोस्त ने ज्वाइन किया है, डॉक्टर आयशा ने। How are you? I am doing well. Thank you for joining us. Thank you for inviting me. Welcome, Kamal. Thank you. And आपके बारे में बहुत, आप बड़े मशहूर हैं स्टूडेंट्स में, आप बहुत मशहूर हैं काउंसलिंग में, बेसिकली आ काउंसलर। और व्हाट एग्जैक्टली यू वांटेड टू बी known as? Okay, so let me tell you a bit about myself in very brief. When I was doing my A levels, yeah. I remember there was this really bad day I had. उस दिन मैंने डिसाइड किया था कि यार, व्हेन आई ग्रो अप आई वांट टू बी दैट पर्सन। आई वांटेड टू नो व्हाई, व्हाट हैपेंड, व्हाट बैड डे। सो वेल, आई हैड दिस, इट वाज अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस वेयर आई हैड 10 डकोइट्स एंटर माय हाउस। इट वाज मेजर ट्रॉमा, ओके, ट्रॉमा दैट आई सफर्ड फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड आई एम नाउ आई एम एबल टू टॉक अबाउट इट। आई कुड नॉट टॉक अबाउट इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। And that is the day when I entered my counselor's room and I said, I was only 17. I entered my counselor's room and I said, I need to talk to somebody. And I wanted to be that figure. So basically now I am mmentoring, life coaching, also having multiple conversations about controversial things. And I think this is very important when you are teaching teenagers, specifically, teenagers होते हैं, बड़े confused होते हैं. They don't know the direction in life, where they're going, how things going to be for them. Yes, so इस तरह के counselors, psychological, psychology teachers, ये आपके लिए बड़ा helpful होते हैं, आपको बता रहे होते हैं कि भाई ये कर लो, ये सही है, ये गलत है. Also, Naveed, कोई somebody to listen. Yeah. Just to listen and validate कि I'm here for you. Yeah. Even if you cannot guide them, you know you're there for them. Yes, yes. That so since you both represent टॉप स्कूल्स ऑफ कराची एंड बड़े स्टूडेंट्स आप लोगों से वाबस्ता हैं और आपके फैंस हैं, वो मैंने देखा है, तो मैं आज एक बड़ा ही जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाहता हूँ वो बहुत ज़रूरी है, और वो उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है, एंड दैट इज़ बॉडी शेमिंग। यस, बॉडी शेमिंग हमारे यहाँ शुरू होती है, मुझे ऐसा लगता है घर से ही। घर से ऐसे शुरू होती है कि अगर बच्चा छोटा है तो जितने भी फैमिली के लोग हैं वो कहना शुरू करते हैं, अरे इतनी मोटी हो रही है, क्या खाती है आजकल ये, अरे यार ये इतना सूखा क्यों है, ये बच्चा इतना छोटा सा सूखा सा क्यों पैदा हुआ है, क्या मतलब प्रॉब्लम क्या है, कोई मसला है इसके साथ, या ये बच्ची इतनी मोटी क्यों पैदा हो गई है, ये तो गुप्पा होती जा रही है, ये अपने से बड़े साइज के बच्चों के कपड़े पहनती है, हंसेंगे, चीजें करेंगे, खाना भी खिलाएंगे लेकिन फिर मजाक भी उड़ाएंगे, फिर उस छोटे से साइज का जो बच्चा पैदा हुआ है उसको बोल बोल के पेरेंट्स को पैरानोया दे देंगे कि यार क्या बच्चों, पेरेंट्स को ऐसा लगने लगता है कि लेट्स गिव दिस किड स्टीरॉइड्स ताकि वो जल्दी से ग्रो करे, बड़ा करे, इतना एक्सप्रेशन उस पर डालते हैं, इतना प्रेशर डालते हैं। तो ये जो बॉडी शेमिंग है मुझे लगता है शुरू तो घर से होती है, उसके बाद फिर आप स्कूल कॉलेजेस में आते हैं तो जो आपके साथ के बच्चे होते हैं वो आपको डिफरेंट नेम से, आपकी बॉडी टाइप से पुकारना शुरू करते हैं, तो इतना तो सेंस नहीं होता, बच्चे छोटे होते हैं। लेकिन बड़ों में भी देखा गया है, जो छोटे कद का है उसको नाटा बोला जाता है, जो बड़े कद का है उसको लंबा बोला जाता है, जो चश्मा लगाता है उसे चश्माटू बोला जाता है, जो काला है उसे काला बोला जाता है, जो बहुत गोरा है उसे कहते हैं तुम तो बहुत ज़्यादा गोरे हो। खुश कैसे होंगे, क्या होंगे, क्यों है बॉडी शेमिंग, व्हाट एग्जैक्टली इज बॉडी शेमिंग एंड व्हाट इज द कांसेप्ट बिहाइंड इट। और आधे लोग जो ये कहने वाले होते हैं वो ये खुद होते हैं जो खुद भी बॉडी शेम हो रहे होते हैं एंड दे हेट इट। आई थिंक वो खुद बुली हुए होते हैं, और दो तरह के लोग होते हैं, एक जिन्हें लगता है कि हम बुली हो गए तो अब हम दूसरों को भी उसी लेवल पे लेके आएंगे, एक होते हैं जो कहते हैं हमारे साथ हो गया ना, दूसरों के साथ नहीं होने। तो व्हाट यू बोथ थिंक के ये बॉडी शेमिंग जो है ये किस फ्रेम ऑफ माइंड, क्या ये कोई डिसऑर्डर है, ये क्या प्रॉब्लम क्या है? No, so one thing which is coming to my mind immediately is, I feel there's a major sense of entitlement and cultural जो हमें विरसे में मिलता आ रहा है सालों साल से, कि हमारे पास ये राइट है कि मैं आप पे और आप पे और आप पे कमेंट करूं, सीधा सीधा, हाँ, सीधा exact, ये राइट है, हाँ। या आपके आके आपकी किसी से एक्वेंटेंस भी है ना जी, तो आप उसे जाके कह देंगे अरे इतना वेट क्यों गेन कर लिया। जैसे मुझे मिसाल है, मेरी एक बिल्कुल बहनों की तरह एक कलीग है, उन्होंने आफ्टर प्रेगनेंसी जब अपना वापस शो रिज्यूम किया और उन्होंने काम शुरू किया तो उन्हें शोज पे कमेंट लोग ये करने लगे कि इतनी मोटी क्यों हो गई हो, बच्चा पैदा करने का इतनी मोटी क्यों हो गई हो, क्यों ऐसा, क्या क्या हुआ ऐसा। वो एक बॉडी, आपका जो वेट होता है प्रेगनेंसी वेट, वो खत्म हो जाता है, 10-12 किलो चला जाता है और नहा भी जाए, क्या प्रॉब्लम है? व्हाट डू यू थिंक? नो, आई जस्ट फील कि यू राइट, मतलब कल्चरल, आई थिंक हम जो ग्रुप कल्चर से बिलोंग करते हैं ना, तो ग्रुप कल्चर पे एवरीबॉडी इज माय प्रॉब्लम। हम न्यूक्लियर कल्चर नहीं है ना, हम इंडिपेंडेंट कल्चर नहीं है बाहर की तरह, तो हमें सिर्फ लगता है कि एवरीबॉडी हैज अ राइट,
ठीक है, लेकिन अगेन मैं कहती हूँ बाहर, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं नवीद, बाहर की तो आप छोड़ दें भाई, आपके इमीडिएट घर वाले, इट स्टार्ट्स फ्रॉम होम, इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर चाइल्डहुड. और फिर मैं कहती हूँ कि हम भी कभी कभी उस साइकिल में ऐसे ट्रैप्ड होते हैं कि हम भी बहुत दफा कुछ चीजें ऐसी कह जाते हैं जो हम अनइंटेंशनली, बिकॉज इतना हम आप प्री प्रोग्राम्ड हो गए हैं हम लोगों को कॉमेंट करने में कि चले मुझे इतनी अकल हो गई कि मैं आपके सामने नहीं बोलूंगी, आप चली जाएंगी तो बोलूंगी, अरे नवीद तुमने देखा वो कितनी मोटी हो गई है, पहले तो नहीं थी. And sometimes I'll do it because I feel I'm a good friend of yours. Yeah. And I have the liberty to tell you, guide you. But yeah. No. उस 5 मिनट में आप ये क्यों नहीं बात कर सकते कि how's your day going? Yes. How you What doing? What you had in food? मतलब क्योंकि Saturday पे या Sunday पे कहाँ बाहर खाना खाया family के साथ, नहीं मिलते. अच्छा लग रहा है. Instant. अब ये तुमने अच्छा you have put on weight. Why is there soiling on your face? वैसे मुझे लगता है हम पाकिस्तान में होके, पता नहीं सब कॉन्टिनेंट का इशू है, हम लुक्स ऑब्सेस तो हैं, मतलब फ्रॉम फेयरनेस क्रीम से लेके कि मतलब अब तो मैं कहती हूँ अब तो खैर ओवर साइज मॉडल प्लस साइज मॉडल बाहर से ही कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ आ रहा है तो हम भी थोड़े बेहतर हो रहे हैं, लेकिन आई जस्ट फील कि हम हैं तो लुक्स ऑब्सेस्ड. पहली चीज जो हम मतलब बाहर आप देखें यार, लोग रोडों पे घूमते हैं, किसी को कोई फिक्र नहीं है आप क्या पहने हुए हैं क्या कर रहे हैं. यहाँ हम हर चीज नोटिस करते हैं, मतलब हम ब्रांड कॉन्शियस भी हैं, हमने क्या पहना हुआ है क्या नहीं पहना हुआ, मतलब हम जब दावतों में जाते हैं या हम शादियों में जाते हैं हम कितना वरी करते हैं कि व्हाट डू आई वेयर, ये तो मैंने पहले मोमेंट को एंजॉय करने के बजाय हम इस स्ट्रेस में रहते हैं कि मैं कैसा लग रहा हूँ या लग रही हूँ या मैं वहां जाके क्या बोलूंगी या क्या बोलूंगी. व्हाई डोंट यू जस्ट वेयर व्हाटएवर यू फील लाइक वेयरिंग इट, गो बाय योरसेल्फ, एंजॉय योरसेल्फ, कि आप जाएं आप एंजॉय करें, आप लोगों से बातचीत करें, मजा करें, मस्ती करें, वापस आ जाएं. मुझे एक आप दोनों से एक सवाल मेरा ये है कि मुझे बताएं जो एक बच्चे ये जो होते हैं जो खास, मतलब मुझे तो कहते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा लेकिन एक लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए, जो उन बच्चों ने थोड़ा सा वेट पुट ऑन किया हुआ होता है, चबी कह सकते हैं उनको, या फिर जो थोड़े से नैन नक्श अगर आप कहें उनके ठीक नहीं है, हम ठीक तो सभी के होते हैं ये हम डिसाइड करते हैं कि हैं कि नहीं है ठीक है. उसके बाद ये होता है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो फिट इन नहीं कर रहे होते खास क्राइटेरिया में, तो उन लोगों का जो माइंडसेट होता है उनको इतना आप फंसा देते हैं, आप इतना परेशान करके रखते हैं कि दूसरी चीजों में फोकस नहीं कर पाते. तो वो जो बच्चे आपको देख रहे हो या वो बड़े भी आपको देख रहे हो, तो व्हाट एडवाइस यू गाइस वांटेड टू गिव देम कि यार ये करें और ये ना करें, रियली क्लैरिटी रहेगी आपके लिए. Honestly, Naveed, I feel सबसे पहले तो ज़रूरी है to recognize and identify that we belong to a culture where other people might take this liberty. ठीक है, तो उसको हम इस बारे में बात करना, हम जैसे बात करें, and I'm sure they've experienced it and they should have. So I see this in the youngsters now. Kaval does so. Also, कि they are aware कि listen, these are my boundaries. I don't want people to cross over these boundaries. So it's important to be able to identify your boundaries. This is your personal space, personal boundaries. And nobody has the right to step over those boundaries. Exactly. Even if you're related, even if it's a biological relationship, nobody has the right to do so. Ye pehli recognition and being okay with that. So ye usko justify और रैशनलाइज ना करें अपने दिमाग में कि अच्छा इसने शायद मुझे इसलिए बोला होगा, ये मेरी दोस्त. हमारे यहाँ तो मुझे लगता है शुरू ऐसे होता है कि यार वो मुझे देख क्यों रहा है इस तरह से या देख क्यों रही है इस तरह से. और आपने अच्छा मुझे लगता है कॉन्फिडेंस की कमी बच्चों में इतनी कम होती है, बड़ों में भी कम होती है कि अगर आपको कोई दो लोग हंस के देख बात करें और आपकी तरफ देखें कॉन्शियस हो तो आपका सारा मूड, आपका सारा प्लान, आपका सारा फोकस जस्ट गोज टू द ग्राउंड और आप कहते हैं यार खत्म. आप यू आर डन फॉर दैट डे. नहीं वैसे नई जनरेशन इस मामले में तो बहुत अच्छी है. हम तो क्या क्या सुन के बड़े हो गए, मतलब जिसकी वजह से हम शायद रेजिलिएंट भी हैं लेकिन हम लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी इसीलिए हैं कि हम तो क्या क्या सुनते थे. मैं तो अपने बच्चों में आप रिकॉल करूं तो जब मैं इससे बहुत ज्यादा पतली थी तब भी लोग मुझे मोटी बुलाते थे, फिर मैं उससे ज्यादा मोटी हो गई तब भी मोटी बुलाते, मतलब अब मैं नाउ व्हेन आई लुक एट माय ओल्डर पिक्चर में तो कहती हूं उस वक्त मैं बहुत पतली थी, मतलब यू नो स्किन कलर पे कमेंट करना, मेरा स्किन कलर मेरी दो बहनों से डिफरेंट था, तो हमेशा उनको कहना कि ये तुम्हारी बहन नहीं है क्या, मतलब इसको कहाँ से लेकर आए हो, क्योंकि तुम लोगों का स्किन कलर तो ऐसा नहीं है. ठीक है, कोई कलर हम लेने जाते थे तो माय यू नो इमीडिएट फैमिली में कोई मेरी बहन तो कहेगा कि तुम हाँ कि येलो कलर तुमने क्यों लिया, ये कमल को दे दो क्योंकि उसके स्किन कलर पे सूट करेगा तुम्हारे पे नहीं करेगा. मतलब हम ये सुन के बड़े हो गए. दिस इज अमेजिंग हाउ वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस 2 days बैक. My relative, she was telling me कि बचपन से मुझे बड़ी बड़ी and this like you're saying ये छोटे से बड़े सब liberty लेते हैं. She would say कि यार तुम चाय क्यों पी रही हो, तुम्हारा रंग तो इतना already काला है, चाय ना पीना.
छोटी बच्ची को, 10 साल की बच्ची, जैसे एक बड़े एक फनी है, आई डोंट नो जस्ट फिट इन दिस सिचुएशन और नॉट, अक्सर प्रेगनेंसी में कमल को भी लोगों ने बड़े मशवरे दिए, आपको भी दिए होंगे, कोकोनट वाटर पिया करें, बच्चे का रंग गोरा होता है। अगर कोकोनट वाटर पीने से बच्चे का रंग गोरा होता तो श्रीलंकन्स और तमिल की जो साइड है, तमिलनाडु में जो लोग रहते हैं, साउथ इंडियन में रहते हैं, वो अंग्रेज होते। पोलियो के कतरे पे ला दें, सिर्फ आप इतनी जिम्मेदारी कर लेना तो आपके लिए इतना ही काफी है, और वैक्सीनेशंस पूरी करा ले, बाद में अब आपको अल्लाह ने सेहतमंद बच्चा दे दिया है, आपका बच्चा सही है, अब ये मसले से बाहर आ जाए। बच्चे का वेट कम है, आगे जाके वेट पुट ऑन कर लेगा, वेट ज्यादा है, जिम जाके डाइट करके उसे पतला होना होगा, पतला पतली हो जाएगी, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है ये। लेकिन वही मैंने कहा ना, इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम द होम। इट डज, एंड देयर आर सो मेनी मदर्स हु कांट, हु फील दे कैन नॉट स्टैंड अप फॉर देयर किड्स आल्सो। यस यस, जॉइंट फैमिली सिस्टम है वहां, मदर्स यू नो दे फील हेल्पलेस। मैंने पोस्ट देखी किसी फीमेल ने की हुई थी, एक फीमेल ग्रुप पे, उन्होंने कहा कि हमारे घर में बहुत हकीके की किसी चीज की दावत है बच्चे की, सवा महीने की जो भी है, तो मेरे बच्चे के मुंह पे बहुत बाल है, तो आप बताएं कि मैं कैसे वैक्स करूं। She is talking about a newborn. Imagine the pressure. नीचे आके लोगों ने लिखा कि माफ कर दे बहन, मतलब यू नो कि इसको वैक्स क्यों करनी है, नहीं वो लोग आएंगे, लोग कहेंगे उसके मुंह पे इतने बाल हैं। और वो जब जस्ट न्यूबॉर्न की बात हो रही है, और न्यूबॉर्न को वैक्स करना चाह रही हैं। जी, सिर्फ इसलिए कि दावत है तो भाई बच्चे का मुंह साफ हो, वरना लोग आके मुझसे कहेंगे कि देखिए इसके मुंह पे इतने बाल हैं। हाँ, और इस प्रेशर में हम सभी, मतलब यू नो वी टेंड टू एक्ट इन दैट प्रेशर, हम कंफर्म करते हैं कि भाई जो स्टीरियोटाइप्स हैं हम उसको मैच करें, हम उसको सूट करें, हम सब एक विशियस साइकिल बन गया है। व्हाट इज द वर्स्ट एक्सपीरियंस यू गाइस हैव कम क्रॉस, जो बच्चों को आपको लगा हो कि उनको मेंटली और फिजिकली बिल्कुल बर्बाद कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है? सो मेनी नवीद, आई रिमेंबर आई एम टीचिंग इन दिस यूनिवर्सिटी, एट द एंड ऑफ द सेशन तकरीबन 5 मंथ्स डाउन, The girl comes up to me and tells me, "Miss, I've never felt complete because I've always been made fun of." She was a hairy kid. She was a tall kid. So she said, "मुझे आज तक लगता है, Miss, कि मैं affected हूँ. मैं नहीं बात कर पाती. मेरे अंदर वो confidence ही नहीं है." And she remembered, "Miss, मुझे याद है कि मेरे साथ prep 2 से बात शुरू हुई थी. छोटी सी बच्ची." Oof. Prep 2 and she is speaking to me in university, a 20-year-old. सोचो 2 साल की बच्ची और एक 20 साल की बच्ची तक का जो सफर, उसका 18 साल, she has gone through this trauma. And I'm sure she must be listening to this. Yes. And she But will know. If she's listening, and let me tell you, अच्छा कद, और ये जो आपका वंडर वुमन के लिए आप ऑडिशन में, Wonder Woman के कैरेक्टर के लिए you will be choose for Wonder Woman. Yeah. और मेरे पास एक male came, very बहुत पुरानी बात, जब मैंने नई थेरेपी शुरू की थी, and very low confidence, मतलब good looking boy, हर चीज़ perfect, good profession, everything. उसने कहा सिर्फ कि मैं जब से पैदा हुआ हूँ, मेरी जो एक eyelash थी वो white थी, ठीक है, तो बच्चे मेरा मजाक उड़ाते थे। अब आप कहते हैं ना इसका क्योर क्या है, उन्होंने कहा बच्चे मेरा मजाक उड़ाते थे, कहते हैं अम्मा अब्बा मेरे थे नहीं, मेरी बड़ी बहन थी, तो मेरी बड़ी बहन ने ये किया कि वो रोज़ सुबह मस्कारा लेती और मेरी आईलैश को ब्लैक कर देती और मुझे कॉल। अब उसकी बहन के हिसाब से उसने उसके लिए फेवर की, बट ही सेड दैट इज़ वेयर माई कॉन्फिडेंस शैटर्ड, शी डिड नॉट टेल मी कि हाँ तुम्हारी वाइट लैश है, एक्सेप्ट इट, ये वाइट ही रहेगी, एंड लिव विद इट। And you're beautiful the way you are. He said कि she in her love tried to change it. और मुझे हमेशा से ये लगा कि मेरे अंदर एक डिफेक्ट है. और मैं बड़ा हो गया है सोच सोच के कि उस वक्त तक भी आईलैशेस की वाइटी थी जो मैंने came to see me. He said मुझे बहुत टाइम लगा टू लिव, कहते हैं आज तक मैं मस्कारा लगाता हूँ अपनी आईलैश पे. You know कि अभी तो मेरे अंदर एक्सेप्टेंस ही नहीं आई. तो आई जस्ट फील कि देखिए द फर्स्ट क्योर टू दिस इज एक्सेप्टेंस एट होम. हर चीज शुरू घर से होती है. आई थिंक हमारे जो घर में लोग हैं, we need to start accepting them the way they are 100% and teach them ki bhai yes you are that way, dekho you can't deny it. ab aap dekhiye agar aap kisi ke andar unrealistic expectation paida kare ki koi dark hai, aap kahe nahi beta you are very fair, no tell them yes you are dark. log har tarah ke hote hain, dark skin is also beautiful. maine aisi baatein bhi kehte hue suna, nahi inshallah waqt ke sath saaf gora ho jayega, nahi inshallah, are inshallah isme inshallah lagane ki kya zarurat hai, to allah ne bana ke usko aisa bheja hai. तो मुझे ऐसा एक बिल्कुल एक ये तो ठीक है, हमने बात की कि जो लोगों के मसाइल हैं जिससे बच्चे बेचारे गुजर रहे हैं और ये है मसला और इट स्टार्ट्स एट होम. वो जो लोग बच्चे के इर्द गिर्द वाले तो चलें, जो बड़े बूढ़े आपके घर में हैं
वो मोहब्बत में ही कहते हैं जैसे तुमने कहा चीज़ें कहीं, लेकिन उनके लिए व्हाट पीस ऑफ एडवाइस यू गाइस वांटेड टू गिव कि प्लीज़ ये करें नहीं ताकि बच्चे का कॉन्फिडेंस ना शैटर्ड हो? फॉर मी आई जस्ट फील, एक बहुत अच्छा सवाल है जो आप करें तो हर चीज़ फिल्टर आउट हो जाती है, वो ये है व्हाट इफ इट वाज बीइंग सेड टू यू, हाउ वुड यू फील? सिर्फ इतना पूछ लें अपने आप से कुछ कहने से पहले, बोलने से पहले, योर वर्ड्स मैटर। वो जैसे वो कहते हैं ना कि जैसे सेइंग है, लोगों को उसी तरह से ट्रीट करें जिस तरह से आप चाहते हैं कि आप ट्रीट होना चाहते हैं। पूछ लें अपने आप से सवाल और सोचें कि आपको कैसा फील होगा। वहाँ बहुत चेक हो सकती हैं चीजें, डिनाइल भी होता है, इग्नोरेंस भी होती है, और अंडरस्टैंड करें कि अब दुनिया कहाँ कहाँ पहुँच गई है यार, अभी तक हम लुक्स में फंसे हुए हैं, शक्ल जात मजहब चेहरा और क्या कैसा दिखता है, आप इसी में अभी तक फंसे हुए हैं। अब वो मुझे आज भी वो याद है, हम अक्सर ड्रामों में टीवी में दिखा रहे होते हैं या फिर देखने में आता है कि वो सांवली बेटी अगर दोस्त बहन है और गोरी का रिश्ता आया हुआ है तो सांवली को, गोरी को पीछे रखेंगे, सांवली को चाय के साथ भेजेंगे कि वो कहते हैं कि नहीं वो वाली कौन है उससे शादी करा दो। पहली बात तो इसी को ख़त्म कर दें कि बेटियाँ कोई आपकी शो पीस थोड़ी हैं कि चाय लेके जाएंगी तो पसंद करेंगे। तो ये लड़के लड़के की अम्मा के साथ हुआ, फिर उन्होंने अपनी बहू के साथ यही करना है, अपनी बेटी के साथ यही करना है, ये वाला एक तो पहले तो ये तो यही बकवास आप खत्म करें। अपने बच्चों को एक शो पीस बना के प्रेजेंट करना लोगों को छोड़ दो कि हमारे बच्चे एक शो पीस, बेटा वो जल्दी से गाना सुनाओ जो आप हमें सुना रहे थे, ये क्यों करना है? बेटा वो जल्दी से जोक सुनाओ जो आप हमें सुना रहे थे, ऑन डिस्प्ले। वो आपके साथ जैसा उसका कॉन्फिडेंस और कंफर्ट लेवल है वो हर एक के साथ नहीं है। अब वो वहां पे बेचारा फिर शाय भी होगा, अनकंफर्टेबल भी होगा, कितना वो बेचारा अपने आप को मार के वो चीज करेगा, हर चीज मजाक नहीं होती। मुझे लगता है कि बस अब हम लोगों को चीजों को थोड़ा सा समझ के करना चाहिए और समझ के बोलना चाहिए। और जो अब है और अब ये भी अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि अब के जो बच्चे हैं और जो जनरेशन है वो सुनने वाली टाइप नहीं है। अब सबके अंदर एजुकेट, गुड फॉर देम। अब ये है कि अगर आप आगे से कुछ बोलेंगे तो एक्सपेक्ट करेंगे आगे से जवाब भी आएगा। मतलब यू नो, अब ये लोग लिहाज नहीं करते। अब तो वो कहते हैं, मतलब एक स्टूडेंट ने मुझे कहा, मिस मुझे किसी को कुछ कह रहा था, मैंने उसे कहा ऐसा करता हूँ, मैं अल्लाह मियां को लेटर लिख देता हूँ आपकी तरफ से शिकायत का कि मुझे ऐसा क्यों बनाया। अगर बात देखो तो उसकी कितनी खूबसूरत है कि अल्लाह ने मुझे ऐसे बनाया, तो आप दे दें लेटर, मैं भेज देता हूँ कि भाई आपको जवाब आ जाएगा। मतलब यू नो व्हाई यू आफ्टर माय लाइफ। तो अब तो अब हम कहते जो हम कहते हैं बच्चे बदतमीज हो गए हैं, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि आप भी उनसे क्या कह रहे हैं ना, अवेयर हो गए आपने उनको, अवेयर हो गए और आपने उनको इस नहिज पे ले आए ना कि वो आपको इस तरह से जवाब दें। तो जाते जाते आप दोनों एक एक लोगों को एक पीस ऑफ एडवाइस जो एक आप बच्चों को दे दें, क्योंकि सिंस यू आर वेरी कनेक्टेड विद किड्स, और आप उनके पेरेंट्स को दे दें कि किस तरह से आप अपने बच्चों को लेके चले। आई वॉन्ट टू स्विच, आई वॉन्ट टू गिव इट टू द पेरेंट्स। ओके, यू गो फर्स्ट, बिकॉज ये मेरे दिल से आ रही है बात कि समबडी, आई हैव रेड दिस समवेयर, आई डोंट रिमेंबर हु सेड इट, बट आई हैव रेड दिस समवेयर दैट द बेस्ट गिफ्ट यू कैन एवर गिफ्ट टू एनीबडी इज टू एक्सेप्ट देम द वे दे आर। दैट इज द बेस्ट गिफ्ट you'll ever give anybody. So do that for your kids. और I just feel for younger generation, या जो बच्चे हैं जो इस सब चीज़ें सुनते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कि देखें जो किसी ने आपके साथ किया या किसी ने आपको कहा वो उसका ज़र्फ है, वो आपका फॉल्ट नहीं है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी ये कहती हूँ, किसी ने जो आपको कहा दैट्स देयर प्रॉब्लम, दैट्स नॉट योर्स। सो प्लीज़ डोंट टेक दीज बॉडी शेमर्स पर्सनली। ये आधे लोग कुछ जेलसी में, कुछ डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से, इग्नोरेंस कुछ, मतलब यू नो जहाँ आप जवाब दे सकते हैं वहाँ जवाब दे दें, वरना जस्ट लर्न टू फॉरगेट अबाउट इट, डोंट टेक इट पर्सनली, दे एक्चुअली डोंट मीन इट। कभी वो आपको डिग्रेड करके खुद बेटर फील करते हैं तो ये भी उनका ज़र्फ है ना, ये उनका प्रॉब्लम है, इट्स नॉट योर्स। So just don't take it personally, just let it go, just be confident in whatever you are. जैसे आपको अच्छा लगता है आप वैसे रहें, जैसे अच्छे कपड़े लगते हैं वैसे पहने, मतलब अब दुनिया शुक्र है। And again I tell them, you live in a better time. हम इससे worse time में रहते थे, वैसे बड़ा लड़ते मेरे स्टूडेंट मुझसे कि मैं साहब नहीं आप लोगों के पास ये था, मैंने कहा हमारे पास लिबर्टी भी नहीं थी कि हम जवाब दे सके, बड़ों से बदतमीजी कर रहे हो। हम तो कहते थे जी जी, हम हंस के कहते थे जी जी और आगे कुड़ते रहते थे, पर आगे बढ़ जाते थे कि वी डोंट हैव दैट ऑप्शन। शुक्र है नो के पास ये ऑप्शन है, ये एक्सप्रेशन है और ये समझ है। जो बच्चे हमें देख रहे हैं, जो माँ बाप हमें देख रहे हैं, जो उनके माँ बाप के साथ साथ बहन भाई मामू चाचा चाची नाना नानी सब, आपके घर में एक हेल्दी बच्चा पैदा हुआ है ना, उससे बड़ी और कोई नेमत नहीं है। अगर उसकी बस आप उसको एक अच्छा इंसान बना के माशरे के लिए आगे प्रेजेंट कर दें, यही बहुत है। काला पैदा हो गया, गोरा पैदा हो गया, छोटा पैदा हो गया, बड़ा पैदा हो गया, ये मैटर नहीं करता। अच्छा इंसान हो, अच्छा कल्चरल वैल्यूज़ को समझता हो, अच्छे बुरे की तमीज़ रखता हो, आपको इस पे खुश होना चाहिए। और अब तो हम कहते हैं मेंटली हेल्दी हो, अब जाके, अब आजकल के ज़माने में नॉर्मल हो, मेंटली हेल्थ से ज़्यादा इस वक्त इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है कि हमारी सराउंडिंग्स में हमारे पास ड्रग्स भी हैं, हमारे पास कोविड जैसी बीमारियाँ भी आगे जा चुकी
रहती हैं, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस भी है, माँ बाप उस तरह से नहीं चीज़ें कर पा रहे जिस तरह से पहले करते थे, बहुत इकोनॉमिकल क्राइसिस हैं, तो इस चीज़ को सबको समझने की ज़रूरत है कि अब कौन क्या पहना हुआ है, कौन कैसा लग रहा है, कौन कैसा दिखता है, इससे बहुत आगे बाहर निकलने की ज़रूरत है। मेंटल हेल्थ अगर होगी ना तो आप ज़िंदगी में प्रोग्रेस भी करेंगे, मेंटल हेल्थ होगी तो आप अच्छे भी लगेंगे, मेंटल हेल्थ होगी तो आप एक दूसरे से मोहब्बत भी करेंगे। आपकी मेंटल हेल्थ नहीं होगी तो वही वाली बात है, जैसे हमारा आज भी वही स्टिग्मा है कि साइकोलॉजी टीचर है या साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो तो पागल है क्या? पागल नहीं है, वो किसी से बात करना चाहता है क्योंकि आपने घर में उससे बात नहीं की, तो वो इसलिए किसी से जाके बात करना चाहता है। तो दिस इज़ इट, आज का हमारा जो मेंटल हेल्थ का एपिसोड था वो बहुत अच्छा हुआ, डॉक्टर आयशा और कमल ने हमें ज्वाइन किया और बहुत अच्छी बात की, और हमेशा वो होता है जब दो से तीन हो जाते हैं तो काम की बात ही होती है, और आई एम श्योर कि आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को समझने को मिला होगा, और हम जाते जाते फिर वही उन बच्चों से कहेंगे जिनके साथ ये बॉडी शेमिंग का जो शिकार होते हैं या फिर बुली होते हैं, एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आपके साथ किसी ने गलत किया है तो आप आगे मत गलत कीजिएगा, उनको इग्नोर कीजिए, माफ़ कीजिए, और आप देखिएगा यू विल फील गुड अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह आपसे अगले एपिसोड में मिलेंगे, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़।